एक मैं वादा कर रहा हूँ, मीडिया यहाँ पर है, आप मेरी बहनें सब यहाँ बैठे हैं, 5,000 औरतों को घर में बैठे रोजगार दिलाने का काम जो है मैं गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर करने वाला हूँ। बस मानी के मैं खसम का के बस ये साल जीता के लाइए, ये नासिर होता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो भी उन्होंने वादे कर रहे हैं टोटली झूठे और फेक वादे हैं। चंद चावल के दानों की आस देकर आपको वोट लेने की बात कर रहे हैं। पूरे एक एक संत को 50,000 रुपए लोन कराने का काम मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको करा के देता हूँ, रोजगार भी करा के देता हूँ, संगा को लोना भी करा के देता हूँ। This video presented by Manur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bali Hills Circle Ring Road, Gulbarga. ये जो भी उन्होंने वादे कर रहे हैं टोटली झूठे और फेक वादे हैं, और ऊपर से एक फ्रॉड करके उन्होंने वोट लेने का काम चंद चावल के दानों की आस देकर आपको वोट लेने की बात कर रहे हैं। सिर्फ चावल से आप लोगों की हुकूमत चलती क्या? आप लोगों के घर चलते क्या सिर्फ चावल से? मेन एम्प्लॉयमेंट की बात करना चाहिए, रोजी की बात करना चाहिए, डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, और यंग जनरेशन के लिए क्या कर रहे वो इम्पोर्टेंट है। आजकल जवान बच्चे जेलों में सड़ रहे, उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा, लेकिन उनको छुड़ाने वाले कौन है? कोई आपकी आवाज़ उठाकर असेंबली में जा रहा वहाँ पर, आज पुलिस वालों में हुकूमत कर रहे हैं, जहाँ के हमारे नॉर्थ के MLA एक मुस्लिम लीडर हैं तो उनकी हुकूमत रहना चाहिए। जैसा कि खबर साहब थे, पुलिस वाला अगर कोई बच्चे को पकड़ के डाल रहा तो एक उनकी आवाज़ उनकी नाम लेने पे वो बच्चा छूट के बाहर आता था। आज जाकर देखो जेलों में हमारे मुस्लिम बच्चे कितने हैं, इलेक्शन आ रहा, रॉडी शीटर है, ये लोग कुछ भी गड़बड़ी करते, रात में 3 बजे उठाकर बच्चों को अंदर जेलों में डाला जा रहा, उनके लिए कौन लड़ रहे? अब हम भी अब नासिर सर के फेवर में हम बात कर रहे हैं, अब कुछ हमारे पास एक मजबूत क़यादत है, इसके लिए हम उनके हक़ में स्पीच कर रहे हैं। मैडम के हक़ में हम ऐसी स्पीच कर सकते क्या? मैडम के फेवर में हम कुछ बोल सकते क्या? मैडम के फेवर में भी अगर हम बोले तो हमारे को छुड़ाने वाले, हमारे ऊपर केस हुए तो हमारे लिए लड़ने वाला कौन है? कोई भी लड़ने वाला नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, सोशल मीडिया के थ्रू कल एक गुलबर्गा लाइव चैनल पर एक मैडम का स्टेटमेंट आया था, तो कोई एक जर्नलिस्ट उनको पूछ रहा था कि मैडम आप गारंटी कार्ड दे रहे हैं और गारंटी कार्ड के नाम पर डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं आप, बोलकर कोई जर्नलिस्ट उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने ये बोल रहे थे जनता दल सेकुलर पार्टी को इससे तकलीफ हो रही, इसलिए मसला खड़ा कर रहे कि मैडम जैसा कि बोल रहे ना, जनता दल पार्टी को हमारे से उनको तकलीफ है इसलिए मसले खड़ा कर रहे। जनता दल पार्टी को हमारे को तकलीफ नहीं है। और जो भी कॉन्ट्रोवर्सी आंसर देता था, मैं मैडम को कहना चाहती हूँ कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, आपकी टीम है, आपको कॉन्ट्रोवर्सी आंसर नहीं देते, लेकिन जनता दल पार्टी को अगर आप उंगली बेफुजूल हमारे को इसमें घसीटेंगे, हम उसका कंट्रोवर्सी आंसर हम जरूर देंगे, क्योंकि हम लेडीज है, नासिर सर के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास मजबूत क़यादत है, और इंशाल्लाह इसका हर सवाल का हर जवाब का आपको कंट्रोवर्सी आंसर मिलेगा। और आप लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि नासिर सर को वोट डालिए, उनको भी एक बार जिताकर आप लोगों ने मौका दिया, तो आपके साथ मैं आपका मजबूत क़यादत खुद चलकर आया सो है, इंशाल्लाह जीतने के बाद भी आपके बीच में रहेंगे। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये भी आपको आज़ाद परमिशन है कि आप लोगों में से अगर उठ के कुछ बोलना चाहते तो भी बोल सकते, लेकिन लास्ट में मेरी फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि नासिर सर को एक बार जिताइए, उसके बाद आप खुद उनके पास आकर पूछिए, सर आप हमारे एरिया में आए थे, हमारा ये काम करते बोले थे, क्यों नहीं करे? आप भी सोशल मीडिया के सामने आकर ये सवाल पूछ सकते। गुलबर्गा शहर एक मजबूत क़यादत के नीचे आकर काम करने वाला शहर है, और यहाँ से जो आवाज़ निकलती है वो पूरे हिंदुस्तान भर में गूंजती है। हम लोगों ने ये साबित किया है, और ये साबित करने का सिलसिला महज ये एक CAA NRC के इससे नहीं, बल्कि हमारे वोटों के ज़रिए भी हम लोगों ने ये साबित किया है। हम लोग हमेशा से पिछले 40 सालों से क़यादत बोलकर वोट दिए हैं। हम लोगों ने पार्टियों को वोट नहीं किया कभी भी, हम लोग पार्टियों को देख कर वोट नहीं किए हैं। पहले हम लोग मुस्लिम लीग को वोट किए, फिर उसके बाद में नेशनल लीग को वोट किए, फिर उसके बाद में जनता दल को वोट किए, उसके बाद में आकर कांग्रेस को वोट किए। कांग्रेस हमारी जाति मिल्कियत वाली पार्टी नहीं है, ना ही वो लोग हमारे को जो है उस तरीके से देखते हैं, बस उनके नज़दीक हम लोग एक वोट बैंक हैं। और अफसोस की बात यह है कि मिल्लत के साथ आज एक साजिश हो रही है। मिल्लत जो हमारे नौजवानों से बनी हुई है, आप लोगों से बनी हुई है, बुज़ुर्गों से बनी हुई है, उसके साथ में एक मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है, क्योंकि मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा 2018 का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, उनको ज़बरदस्ती लाकर इलेक्शन में ठहरा दिया गया था। उससे पहले कांग्रेस के कई सारे लोग जब उनसे बात कर रहे थे या फिर उनके घर वालों से बात कर रहे थे, तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास भेजने की बात कर रहे थे। नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास जाइए आप लोग, क्योंकि वो अच्छे लीडर हैं और आपकी नुमाइंदगी कर सकते हैं।
लेकिन जब पार्टी ने उनके ऊपर दबाव पैदा किया कि आप ही को लड़ना है और मजबूर किया, क्योंकि उनको मिल्लत को एक अच्छे कायदीन देने का कभी भी तसव्वुर नहीं रहा है, तो मजबूर करके उनको सामने लाकर खड़ा किया गया। आज भी जब उनको सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है, तो बहस बात यह है कि आप लोगों के बीच में से एक अच्छी खयालत को ख़त्म किया जाए। आप लोग कभी भी ऐसे मामला नहीं देखें कि आपके बीच में एक नौजवान खड़ा हो और आपके घर के मसाइल को हल कर सके, आपके बच्चों के मसाइल को हल कर सके। सिंपति के नाम पर दिल में अफसोस हुआ, हमने खायत की मैडम को जिताया। उसका नतीजा ये हुआ कि 5 साल दौरे क़यादत में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हुई, और जिसको हमने जिताया था वो स्क्रीन से गायब रही। एरे के अंदर एक गुलबर के अंदर मशहूर हुआ सो नासिर बस्ताद भाई, आगे पीछे कुछ देखने वाले, तुम कभी भी आधा रात को तुम फोन करे तो ना आ सकते। कभी भी तुम उनके घर को जाके खाली फोन पे करो तुम उन आ सकते। अच्छे के लिए आते, बुरे के लिए आते, सब के लिए आते। एक हम एक रिश्ता बनाने चाहते हैं, रिश्ता बनाने चाहे तो भी क्या हम हमारा बच्चे को देना बोल के क्या अच्छा है क्या बुरा है बोल के सोच के सौ बार सोच के हम रिश्ता करते हैं। वैसे के लिए हमारा चुनने का अधिकार क्या है हमारे को है, वैसा फालतू वेस्ट नहीं डालने का। कौन तो 2000 देंगे, 3000 देंगे, चावल देंगे करके बोलेंगे, उसको कौन मानने का नहीं है। हमारे लिए हमारे घर का बच्चे के लिए हम लाने के लिए हमारे को कभी आधा रात को उठते बोल के ये मेरा वादा करता हूँ। और हमारा भाइयों को बहनों को भी एक 5000 लोगों के लिए उन खुद घर में क्या कारोबार करना है वो करता हूँ। घर को मेरे से वादा करे है हम जरूर बनाएंगे। ये मैं इस बार के मैं कसम खा के बोलता हूँ, ये साल जीता के लाएंगे। जिंदाबाद 2000 दे रहे ना, हमारी पार्टी जीत के आए तो 5000 रुपए देने वाली है। एक मैं वादा कर रहा हूँ, मीडिया यहाँ पर है, आप मेरी बहनें सब यहाँ बैठे हैं, 5000 औरतों को घर में बैठे रोजगार दिलाने का काम जो है मैं गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर करने वाला हूँ। जितने संघ के अंदर लोना लिए हैं, जितने संघ के लोना लिए ना, वो पूरे लोन माफ कराने का हमारा कुमार स्वामी चीफ मिनिस्टर बनने के 8 दिन के अंदर पूरे लोना माफ कराने का अनुवायदा करें। समझ में पूरे लोना माफ गवर्नमेंट तो लिए, पूरे लोना माफ, आपको रोजगार देंगे, आपके लिए मेन रोड के अंदर टॉयलेट्स नहीं है, खवातीन के लिए टॉयलेट्स नहीं, टॉयलेट्स बनाएंगे। पीने का पानी का तो सत्यानाश हुआ, 24 घंटे पानी भरने का जिम्मेदारी किसकी है? घर को संभालना है जिम्मेदारी तुम्हारी है नहीं? मैं आपको जो जो स्कीम है 25-25 हजार के लोग कितने लोगों को मिले यहाँ पर दिए गए किसी को? ये पूरे एक एक संघ को 50-50 हजार रुपए लोन कराने का काम मैं आपको वायदा करता हूँ, मैं आपको करा के देता हूँ। रोजगार भी करा के देता हूँ, संघों को लोना भी करा के देता हूँ, सारे चीजें, पीने का पानी साफ, 24 घंटे पानी आपके घर तक आना। हमारी माए मेरे रात में उठ को 3 बजे 8 दिन में एक बार पानी आ रहा, 10 साल पहले वायदा करे उन्होंने, 10 साल से अब तक सुनने जा रहे हैं हम, सिर्फ 24 घंटे हर घर को पानी आने वाला है। आया क्या?